जी एक बार आपसे समझेंगे। देखिए बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं सुजलॉन एनर्जी में शामिल थे, उन्होंने शेयर्स परचेज किए हुए थे। अब कंपनी 1200 करोड़ रुपए जुटा रही है राइट इशू के लिए। अगर पहले दिन का रिस्पांस की बात करें तो कल से ही ये ट्रेड होने लगा है। ओपन प्राइस 2.5% है, 2.5 रुपीज पे था, पर 1.8 रुपीज पे जाके क्लोज हुआ है, जो कि 28% नीचे था। क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई वैल्यू एडिशन है इस राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट करना, और एज अ ट्रेडर क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स में तो अभी भी कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है 10 रुपए का शेयर कंपनी 5 रुपए में दे रही है, तो उसका मतलब काफी सिग्निफिकेंट इक्विटी डाइल्यूशन हो जाएगा एक बार राइट्स इशू होने के बाद। तो कंपनी किस प्रकार से बड़ी इक्विटी को वापस सर्विस करेगी वो बहुत बड़ा मसला है। नॉर्मली जब राइट्स इशू होता है तब पोस्ट राइट्स इशू का जो कैपिटल होता है उसके ऊपर किस प्रकार की इक्विटी सर्विसिंग कंपनी करेगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि कंपनी अभी भी नेट लॉसेस में है। बट एक बात अच्छी है कि कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, तो अगले 1.5-2 साल का आउटलुक डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि देखिए, जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है और जो हाई रिस्क ट्रेडर्स है उनको इवन करंट मार्केट प्राइस से अगर ये खरीदते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राइट्स इशू 5 रुपए में है, करंट प्राइस करीबन 6-7 रुपया है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो आप एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी रिपोर्ट्स आ रही है कि अडानी ग्रुप ने यहाँ पे इंक्रीज अपना एक्सपोजर इंक्रीज किया है, आगे चल के कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बट ये ओनली हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए। फंडामेंटल्स पे अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि कर्जा काफी सिग्निफिकेंट है और अभी भी इक्विटी का जो कैपिटल है वो पोस्ट राइट्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली नियर टर्म में तो डेफिनेटली स्टॉक राइट्स इश्यू के बाद वापस थोड़ा सा ढीला और नरम होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अगले 1.5-2 साल के लिए थिंग्स कैन इंप्रूव।